हेलो गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे HTML लिंक्स के ऊपर। गाइस, अगर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं या फिर आप वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि HTML लिंक्स होता क्या है। HTML लिंक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। इसके लिए हम HTML के इनसाइट 8.1 का यूज़ करते हैं। इसको और बेटर तरीके समझने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, कोडिश। अब इसके ऊपर मुझे लिंक लगाना है, तो मैं यहाँ पर 8.1 का यूज़ करूँगा इस तरीके से। ये जो 8.1 है, इसके ओपनिंग पार्ट में मैं HREF एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। HREF का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। इसके इनसाइट जो URL हम देते हैं, उसमें हम एब्सोल्यूट URL भी दे सकते हैं और रिलेटिव URL भी दे सकते हैं। एब्सोल्यूट URL क्या होता है? एब्सोल्यूट URL का मतलब होता है कि फुल वेब एड्रेस देना। जैसे कि कोडेश के लिए मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसका कोई URL है, तो वो एक एब्सोल्यूट URL होगा। उसको हम किस तरीके से देंगे? इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फुल वेब URL दिया है और इसे हम एब्सोल्यूट URL कहेंगे। ठीक है, पहले एब्सोल्यूट URL को अच्छी तरीके समझ लेते हैं, उसके बाद रिलेटिव URL देकर भी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं इसे ब्राउज़र पर रन करता हूँ और चेक करके आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कोडेश टेक्स्ट मैंने लिखा था, इसके ऊपर अब लिंक लग चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कोडेश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। वापस आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कोडेश मैंने एक टेस्ट लिखा था, उसके ऊपर मैंने एक एब्सोल्यूट URL दिया और यहां पर जैसे ही मैंने इसे ब्राउजर पर रन किया और कोडेश नेम के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, तो कोडेश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये चला गया, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर चला गया। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम यही URL यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जैसे गूगल लिखता हूँ, और आप तो जानते ही हैं कि जो गूगल है उसका जो URL है वो क्या है, google.co.in। चलिए मैं वापस ब्राउज़र पे इसे रीलोड करता हूँ और आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ मैंने रीलोड किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया। गूगल लिखा था तो गूगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं अब क्लिक करूँगा तो अब आपके सामने गूगल का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन हो चुका है। वापस अपने HTML डॉक्यूमेंट पर आते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको जो एब्सोल्यूट URL है उसके बारे में बताया। अब रिलेटिव URL का मतलब होता है कि अपने ही किसी पेज का URL देना। उसके लिए आपको ना तो HTTP लिखने की ज़रूरत है, ना ही HTTPS लिखने की ज़रूरत है, ना ही आपको www लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी ही वेबसाइट का पेज है। जैसे कि मैं एक कोई नया पेज बनाता हूँ यहाँ पर और सेव कर लेता हूँ उसे yash.html। सेव कर देते हैं इसे और यहाँ पर इसके इनसाइट में हेडिंग बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और इसके इनसाइट में लिख देता हूँ वेलकम यश। चलिए अब यहाँ पर अब मैं yash.html जो एक अलग पेज है उसका URL मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा yash.html। तो ये जो URL मैंने दिया इसे रिलेटिव URL हम कहेंगे, क्योंकि ये अपनी ही वेबसाइट का पेज है और उसका URL है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर इसे ब्राउज़र पर रन करके आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर
मैंने गूगल ही रखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दें यश। चलिए रीलोड करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप टेक्स्ट जो है उसका नेम क्या है, यश। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कौन से पेज पे गया, यश डॉट एच टी एम एल पेज पे गया, और क्या हेडिंग दिया हुआ था वहाँ पर, वेलकम यश। ठीक है, तो गाइस अभी हमने एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल दोनों को समझ लिया है, और लिंक का जो प्रोसेस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो पेज करंट पेज होता है वो हट जाता है और उसकी जगह नया पेज आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज यहीं रहे और एक न्यू टैब ओपन और उसके अंदर ये जो पेज है नया वाला पेज वो दिखे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा टारगेट एट्रीब्यूट, और इसके बाद यहाँ पर आप अंडरस्कोर लिखेंगे। आप ब्लैंक भी लिख सकते हैं या कोई अदर नेम भी लिख सकते हैं, जैसे यश नेम के पेज पे पहुँचा रहे हैं तो यश लिखेंगे तब भी वो न्यू टैब पे ही ओपन होगा। चलिए मैं वापस से रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ मैंने रीलोड किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पेज यहीं रहेगा और न्यू टैब ओपन होगा और वहाँ पर ये पेज खुलेगा। क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये पेज यही है और एक न्यू टैब ओपन हुआ है और उसके इनसाइट ये नया पेज ओपन हुआ है। सेम प्रोसेस आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते थे जो प्रीवियस हमने अभी एग्जांपल बनाया था। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गूगल और यहाँ पर मैं उसका जो यूआरएल है वो दे देता हूँ। और आप यहाँ पर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। आपने यश लिखा, ऐसा नहीं है कि ये लिखेंगे तो नहीं चलेगा, आप ये भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉलो करें। अगर आप गूगल के पेज पे भेज रहे हैं तो गूगल लिखें। चलिए मैं वापस रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने रीलोड किया, यहाँ गूगल हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं न्यू विंडो ओपन हुआ है और वहाँ पर गूगल का पेज जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका यूज़ हम जो आई फ्रेम होता है उसके साथ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक आई फ्रेम बनाया और अभी स्टार्टिंग में आई फ्रेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ नहीं भी डालो तो भी दिक्कत नहीं है। इसका जो विड्थ और हाइट है वो सेट कर देता हूँ। विड्थ इसका मैंने दे दिया 300 पिक्सल और इसका जो हाइट है वो भी मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं इसके इनसाइड कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैं हैश लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं कोडेश लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कोडेश का यूआरएल डाल देता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम नेम देते हैं, बेनिफिट क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। मैं नेम यहाँ पर एक्स दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो टारगेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, टारगेट में मुझे ये जो नेम मैंने दिया है एक्स वो यहाँ पर लिखना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही मैं कोडेश के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो वेबसाइट है अभी इस आई फ्रेम में खुलेगी। अभी स्टार्टिंग में तो कुछ मैंने यूआरएल दिया नहीं है इसमें, तो अभी ब्लैंक दिखेगा। आप चाहे तो कोई यूआरएल देंगे तो वो दिखेगा स्क्रीन साइट। अभी दिखाता हूँ आपको मैं रीलोड करके। यहाँ मैंने रीलोड किया, आप देख सकते हैं आपके सामने एक आई फ्रेम दिखाई दे रहा है जो ब्लैंक है अभी। ठीक है ना, अभी जैसे ही मैं कोडेश के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये इसी पेज पे इस आई फ्रेम की इनसाइट ओपन हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो लिंक का यूज आप कर रहे हैं, ए टैग यूज कर रहे हैं, इसे एंकर टैग कहते हैं हम, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप किसी इमेज का यूआरएल भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज रखा हुआ है तो उसका यूआरएल भी आप देंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा।
ठीक है ना, किस तरीके से ओपन करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नेम दे दिया यश, और कोई इमेज लेकर इसके पैरेलल में हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं, ओपन फाइल, और ये यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कोई इमेज रखा हुआ है क्या। तो यहाँ पर ये इमेज रखा हुआ है, इसका इसको हम रीनेम करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं और कैंसिल करते हैं यहाँ से, तो और वापस यहाँ पर आते हैं और इस HREF की इनसाइट वो URL यहाँ पर डाल देते हैं इस तरीके से। चलिए रीलोड करके बताता हूँ आपको। यहाँ रीलोड किया मैंने, अभी यश लिखा हुआ है, क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इमेज ओपन हो गया यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से भी URL दे सकते हैं। ये तो URL की इनसाइट मैंने किसी इमेज का URL दिया है। कोई इमेज लेकर उसके ऊपर भी हम लिंक लगा सकते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। बैक करते हैं इसको यहाँ से और वापस अपने HTML डॉक्यूमेंट पे आते हैं। यहाँ पर मैं कोई इमेज ले रहा हूँ, अभी मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ मैं एक इमेज ले लेता हूँ और ये जो SRC है, SRC के इनसाइड जो URL अभी मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर डाल देते हैं। अभी रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने रीलोड किया, आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। जो इसका विड्थ है वो मैं 300 कर देता हूँ और जो इसका हाइट है वो मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ। चलिए रीलोड करके चेक करते हैं, ये इमेज अब छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर मुझे लिंक लगाना है, तो यहाँ पर मैं लिंक लगा सकता हूँ। यहाँ मैं A टैग का यूज़ करूँगा, यहाँ मैं इसको क्लोज करूंगा, और जो HREF है इसमें मैं कोई भी URL डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ HTTP और www और codage.com। ऐसा नहीं कि यही डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अभी मुझे यही याद आ रहा है तो मैंने यही डाल दिया यहाँ पर। चल रीलोड करते हैं यहाँ पर। अब इस इमेज के ऊपर लिंक लग चुका है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया तो ये कोडेश वाला जो वेबसाइट है ये ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने HTML लिंक्स के ऊपर डिस्कस किया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।